ये 10 बज गए, अभी तक आए नहीं साले। खाक ट्यूशन पढ़ेंगे। फीज बाजू को नहीं, घर में पढ़ाते नहीं, पढ़ाते नहीं। नमस्कार। अरे आ गया, बैठ चल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बैठो। और जाने को बैठो ना। ना कोई ढंग होता तुम्हारा आने का, कोई टाइम होता साला। 10 बज गए, 1 घंटा लेट हो गए तुम। नहीं फिर तुम्हारे ईजाबाजी बोलेंगे पढ़ाता नहीं करके। टाइम पर आ जाएगा ना, बता रहा तुमको जरा। तुम्हारे साथ के स्टूडेंट आप पढ़ के वहाँ क्या कहते हैं अंडमान निकोबार मलेशिया चले गए, नौकरी लगी उनकी। कहा अंडू अंडू निको और सरुली आती तुम्हारे साथ पहले हो, फौज में भर्ती हो गई आज। वो भी तो स्टूडेंट है, वो भी अंडमान चली गई। अंडमान निकल गई है वहाँ, अभी जम्मू कश्मीर में लग रही है उसकी ड्यूटी। अच्छा जी। और मेरी उम्र तुमको पढ़ाते हुए जाने, तुम पढ़ते रहोगे यहाँ, पढ़ाते पढ़ाते बुढ़ा हो गया तुमको। लेट क्यों है पहले बता। अरे मासा मैं वो आज को चुनाव चल रहे ना, चुनाव प्रचार में गया था। अरे फिर चुनाव चल रहे, तेरा क्या मतलब स्टूडेंट है तू तो। अरे मासा कैसी बात कर दी, चुनाव में मेरा ही तो काम हो रहा वहाँ। क्यों ऐसा क्या कर रहा है तू? वो जो कहते माइक में आवाज नहीं आती, वो मेरी तो आवाज है। अच्छा तू बोलता है माइक में? जी हाँ मासा। जरा बता तो मेरे को क्या बोलते हैं, मैं भी देखता हूँ जरा। मासा कहते मान लो आपका चुनाव चिन्ह है कटरा। चुनाव चुनने कटरा मेरा? आप चुनाव पर खड़े होकर चुनाव चुनने कटरा है। अच्छा ठीक है, अब मैं बोलता हूँ। ये मान लो मेरा माइक हो गया। अच्छा बड़ा कलाकार भी है तो यार। जी हाँ, आगामी 14 फरवरी को होने वाले चुनाव में मोहन सिंह को उनके सामने वाले बटन कटरा पे मोहर लगा के भारी मतों से विजय बनाए। जी हाँ जीतेगा भाई, जीतेगा मोहन सिंह कटरिया जीतेगा। चुनाव चिन्ह कटड़ 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 आमा बुबू एक का रटन कटोड़ो बटन कटोड़ो बटन। अरे रटन में लिखन पटन रटन पढ़ लेता जरा इतना। आमा बुबू एक का रटन इधर बैठ। मजा भी ढंग होता है साला, लग गया कटोड़ 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 यही करेगा तू बस। पढ़ लेता तब भी जान देता, चुनाव में जा रहे हैं वहाँ चुनाव प्रचार करेंगे साले, पढ़ना लिखना है नहीं। आज तू क्यों अभी लेट है, तू बता, तू तो आ जाती कम से कम टाइम पर यहाँ। कहा मासा, ये सूर्य चुनाव प्रचार में उड़ा सारे पोस्टर हम भैंसा पुठम चिपके जा और चिपकूड़ा पत्थर को फेविकॉल कॉलर रहा लिखने लग रहा हूँ, दिमाग खराब कर भी रख रहा है उगू खाने में छी। अरे मासा तुम ही बताओ, क्या कहते हैं चुनाव चिन्ह है कटड़ा, अगर उसको हम भैंस के पीठ में चिपकाते हैं और भैंस और कटड़ा एक ही प्रजाति के हुए तो लोग ज्यादा देखेंगे ना और वोट देंगे कटड़ा को। कोई ढंग होता साला, चुनाव प्रचार चुनाव प्रचार। और तू भैया कल से टाइम पर आ जाएगा जी मासा, भैंस के पूछे निकालने में रह गई। और ये क्या है बालों को, कौन सा स्टाइल है मासा? पॉप है, पॉप कहते हैं इसे। मासा भी देखो मैंने भी क्रीम रोल बना रखा है, देखो बड़ा साला क्रीम रोल मैं लगा दूंगा। मतलब मेरा तो तुमने शिशुड़ जो करो डॉई साहब, मेरा पॉप है, मेरा क्रीम रोल है। कल से तू बाल कटा गया ना सारे, और तू भी बाल को सही से बना गया ना, गम्फू जैसे बना के आ जाता आगे से डॉई साहब। अच्छा किताब खोल, किताब खोल सर। कहाँ पहुंचे हमारा कोर्स, कहाँ चल रहा था, क्या चल रहा था सूर्य हमारा? अरे मशरूम मैं बताऊँ क्या चल रहा है आजकल। हाँ क्या चल रहा है मशरूम आजकल? चल रहा हूँ क्या कहते पुष्पा पुष्पा राज शिंगाड़ा आ गया शाला। मैंने और से पूछा हूँ मैं, कोर्स क्या चल रहा हमारा आजकल पढ़ाई में? अरे मशरूम तुम तो इतना शिशु लगा दे रहे हो। पुष्पा का राज, बिमला का राज, अधूरी का राज, पाँच से देखा ढंग से बैठ साला। मशरूम नहीं वो पिक्चर आ रही ना वही चल लगा, पिक्चर छोड़ दे पढ़ ले पढ़ ले। गेम खेलते खेलते थक जाओगे लेकिन विंजो पर गेम खत्म नहीं होंगे क्योंकि यहाँ क्रिकेट, लूडो, फ्रूट फाइटर, सीट बैटल जैसे 70 से ज्यादा एक्साइटिंग गेम है, जैसी स्किल वैसे गेम। तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेम ही नहीं शॉपिंग भी करो, विंजो स्टोर पर मिलता है एस्पॉर्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम की करेंसी सबसे सस्ते दामों पर, और बिग बाजार, मिंत्रा, हॉटस्टार, डोमिनोज जैसे बड़े ब्रांड के डिस्काउंट कूपन भी। इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड रोजाना, 10 दिन लगातार स्पिन स्टिक बनाकर जीतो स्मार्टफोन एंड बाइक। अब यार विंजो पर इतना कुछ है कितना बताओ, खुद विंजो डाउनलोड करो और एक्सपीरियंस करो। फिल्म देखेंगे साले, पढ़ना लिखना है नहीं कुछ। अच्छा तेरी संस्कृत किताब यहाँ खोल, तेरी संस्कृत है ना जी मासा? एक श्लोक है संस्कृत का, तमसो मा ज्योतिर्गमय, इसका क्या अर्थ होता है बता जी मासा? हाँ कैसे पूछता हूँ, पहले बताइए संस्कृत वाली हो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय क्या क्या अर्थ होता है बता मासा? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय नहीं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योति के घर में सो जाओ। तेरे घर में सो जाओ, ज्योति के घर में सो जाओ। हाँ तू हाथ खड़ा करता बता, तमसो माँ ज्योतिर्गमय मशा वो क्या कहा था तुमने? तमसो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योति मर गई, ज्योति मर गई नहीं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय।
जी जी मतलब तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हाँ इसका अर्थ बता जरा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो मतलब तो हो गया तुम सो जाओ, माँ मतलब माँ हो गया, यानी हाँ मतलब तुम सो जाओ, तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। अच्छा तुम सो जाओ, ज्योति के घर जा रहा हूँ, ज्योति के घर जा रहा हूँ। तुमने इतना लगा दिया, ज्योति के घर जाने की हो रही है। संस्कृत का श्लोक है जनाओ, स्कूलों में भी लिखा होगा, तुम्हारे स्कूल में भी लिखा होगा। मतलब मैं तो देखा नहीं पता जी, धर्ज बैठ जाता। ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, मतलब बुराई से अच्छाई की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर। हाँ क्या कहा मैंने, तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या कहा? अंति धार से प्रकाश के घर चलो। तू साला नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, ध्यान दे बता ना, अभी भी ध्यान नहीं दे रहा, अभी भी ध्यान नहीं दे रहा। साहब तुमने इतना लगा दिया, फिर दमड़े हो गए तेरे, बड़े बड़े पीछे होता है दमड़े तेरा, मैं दमड़े निकालता हूँ। अंति धार से प्रकाश की ओर, प्रकाश के घर नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। क्या कह रहा हूँ? अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, हाँ मतलब बुराई से अच्छाई की ओर चलो, ठीक है ना जी। मतलब मैंने उस समय ऐसी सुना, अंति धार दो इच्छाओ पढ़ना है तो तभी आना, वरना मत आना। हाँ जी मतलब जी मैं साहब पढ़ाई जी तो भला आ रहा। हाँ तेरे को तो संस्कृत में आना चाहिए, कम से कम इतना छोटा सा श्लोक है, बच्चे बच्चे को आता है तमसो मां ज्योतिर्गमय। अगर उसका तो हिसाब गोली है, वैसे उसकी इंग्लिश है लेकिन खत्म है वो, तेरे को आना चाहिए। होना ही नहीं होना पास? माँ साहब पास हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर 10 में चले जाऊंगी मैं। अच्छा 11 से अगर फेल होगी फिर 10 में चले जाएगी तो? जी माँ साहब। क्यों? माँ साहब 10 और 12 वालों को टाइम मिली, 12 1000 रुपए ली उन्होंने, टाइम ले ली हूँ तो रोड जो टैब ले लो। पैसा पढ़ना लिखना है नहीं, पैसा मतलब करो खोखो जो टैब ले लो। तू कह रहा है मैडम मुगनी मिल रहा, मैडम मुगनी मिल तो मैंने फेल वाला साव मिला तो मां साहब तू बोल ना, हम दिए बच रहे और टैब वाले हो तो साव फेलियर, साव फेलियर। तुम्हारे साथ के स्टूडेंट पता नहीं कहां कहां चले गए। अच्छा एक सवाल बार बार आता है, तुम्हारे पेपर में भी आता है, ठीक है। सवाल है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताओ। मैं बताऊंगा, अरे इसने पहले बताया, इस बार मैं बताऊंगा। शायद हो गया, शाबाश, चल बता भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माशा भारत की सबसे ऊंची चोटी है सरूली की चोटी। माशा इतने लंबे बाल हैं, इतने लंबे बाल हैं, मुनाव से लेके खुटा तक माशा क्या बताओ, खतरनाक इतने लंबे बाल हैं और रगड़ते हुए जाते हैं माशा। माशा गलत 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 कौन आया, माशा सरूली के नहीं है, रधुली के हैं। सरूली तो पिछड़ बार बाव काट रही हूँ, रधुली तो लंबो बाव से बता नहीं सकन में ना। सरूली के अरे मत भी इसको भी लगाओ, मेरे को ही छोड़ दे रहे बार बार। तेरे को शिशु लगा तो तेरी इजा जाती फिर। हाँ मैडम मैं भी बाजू को बुला के लाऊंगा, बाजू को बुला के लाऊंगा। खराब सबसे ऊंची पर्वत चोटी कह रहा हूं मैं, आगल कहेगा सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। जी मैं सब मतलब एक बात बताओ, जब कंचन गंजा है तो लंबी चोटी कैसे होगी? उसके बाद कंचन ऊंची चोटी होती है कंचनजंगा, पागल जैसा। और मैं बता दे रहा हूँ कल को बाल कटा के लाना, तो अपना क्रीम रोल अपना तू पफ दोनों साफ करके लाना, कल बता दे रहा हूँ मैं। 11 ऐसी बजे साले, 1 घंटा वैसी टाइम रख सारो, क्या पढ़ोगे तुम, क्या लिखोगे? मतलब जाए फिर, चल हाँ बंद करो अभी, कत्तू के जल्दी है कौन बंद करने। मतलब फिर मेरे चुनाव प्रचार में जाना, फिर जाना जा चुनाव प्रचार में, सारा चल बंद कर, निकल यहाँ से। जी मतलब कहाँ से आता है, सारे मूड खराब करके रख देते हैं। मतलब नमस्कार, भैंस के पुट में कुछ मिला जाएगा पोस्टर में। अरे मार तू भी कल से टाइम में आ जाकर, भैंस के पुट में वो कर रहे हैं। और ये है क्या, ये क्या है, कौन सा साले बालों का है? सबसे ऊंची चोटी है क्या नाम कहते हैं उसका, कंचनजंगा। कंचनजंगा